किसी के पास मर्सिडीज किसी को छोड़ने आ रही है, किसी की ऑडी छोड़ने आ रही है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि अपनी लिमिट्स के अंदर रहो। ये दो चीजें तजाद पैदा करती हैं। वो शख्स जो दुनिया भर को गाइड करता है, समझाता है, बताता है, और उनके घर में एक बच्चा खुदकुशी करे और मेंटली अनस्टेबल हो। शोहरत अपने साथ अपनी आजमाइशें और अपने दुख खुद लेकर आती है। हवस और हरीसी इतनी है, दिखावा इतना है, इंतहा को बढ़ गया है। तफरीक जो है अच्छे और बुरे इंसान की, वो सिर्फ पैसा है। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फहद हसन। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मशहूर मारूफ पामिस्ट, साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर और रूहानियत की माहिर नाज़रीन मेरे साथ लाला रुख साहिबा मौजूद है। आज इनके पास हम हाज़िर हुए हैं जी एक ऐसा टॉपिक लेकर जो कि है मौलाना तारिक़ जमील साहब से रिलेटेड, मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक़ जमील साहब के छोटे फर्जंद नाज़रीन आसिम जमील साहब ने खुदकुशी कर ली है। कहा यह जा रहा है कि उनके सीने पर गोली लगी, जो साबित हो गई, और लाला रुख साहिबा से जानेंगे कि आखिर वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। और ज़राए के मुताबिक भी नाज़रीन ये खबरें अमुदार हो रही है सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर कि वो डिप्रेशन के मरीज़ थे, थोड़ा सा उनको दिमाग का मसला था, जिस वजह से वो मैंटली उनकी जो कंडीशन थी वो दुरुस्त नहीं थी। तो लिहाजा लाला रुख साहिबा से जानते हैं कि आखिर वो इस केस के हवाले से क्या कहना चाहेगी और क्या प्रेडिक्ट करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे ज़्यादा दुख होता है एक जवान बच्चे की मौत, और उसको आप सोचें कि और ऊपर से खुदकुशी। और मेरे आइडियल हैं तब मौलाना तारिक जमील, ठीक है। मैं डॉक्टर जाकिर नायक के बाद मुझे मौलाना तारिक जमील वो शख्स नज़र आए हैं जो मिसालें देते हैं आम घर से और लोगों की समझ में आती हैं। वो कभी भी मिसालें पैगंबरों और नबियों की इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो तो पैगंबर और नबी थे। उनको घर घर उनकी आवाज़ इसलिए गूंजती है। और ये आज से तुम्हें बताऊँ, 20 साल पहले जब इन्होंने स्टार्ट किया तो मेरा भांजा एक दिन मुझे गाड़ी में कहीं लेके जा रहा था, तो मुझे कहने लगा, खाला आपने इनको कभी सुना है? मैंने कहा नहीं, कौन है? कहने लगा मौलाना तारिक जमील है, और इतना अच्छा बोलते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको नज़र ना लगाए कि इतने लोग उनको सुन के उन्होंने अपने रास्ते बदले हैं। आपको पता है कि जुनेद जमशेद भी उनमें से एक थे जो मौलाना तारिक जमील से मिलकर इम्प्रेस होकर उन्होंने अपना सारा ज़िंदगी का डगर चेंज की, राह चेंज की, और अपने घर में उनके एक ऐसा साया था। अब बाज़ दफ़ा ये होता है, देखें इस वक्त जो है ना हमारे मुल्क में बहुत बच्चे डिप्रेशन के मरीज़ हैं, जवान बच्चे छोटी उम्र के, क्योंकि हमें घरों में माँ बाप सब्र कनात पसंदी नहीं है। हर हवस और हरीसी इतनी है, दिखावा इतना है, इंतहा को बढ़ गया है कि हमारे बच्चों को पैमाइश जो है ना अच्छे और बुरे की, तफरीक जो है अच्छे और बुरे इंसान की, वो सिर्फ पैसा है। अगर मौलाना तारिक जमील साहब के फर्जंद की बात की जाए तो मतलब कि पैसों की भी कमी नहीं है, ठीक है, और बाप माशाल्लाह पूरी दुनिया में सुने जाने वाला शख्स, ठीक है ना, मजहबी स्कॉलर, उसके बाद क्या लगता है कैसे प्रिडिक्ट करेंगी, कैसे कैसे इस चीज़ को प्रिडिक्ट करेंगे, क्या वजह लगती है उसकी खुदकुशी की? पढ़ाया तो होगा ना बच्चों को, अच्छे स्कूल में पढ़ाया होगा, वहाँ सारे के बच्चे आए हुए हैं, किसी के पास मर्सिडीज़ किसी को छोड़ने आ रही है, किसी की ऑडी छोड़ने आ रही है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि अपनी लिमिट्स के अंदर रहो। ये दो चीज़ें तजाद पैदा करती हैं। जब तजाद क्लैश होगा ना तो वहाँ आपका माइंड हो। हम अपनी फैमिली में जो गरीब लोग होते हैं हम उनको शादियों पर नहीं बुलाते क्योंकि तोहफा नहीं लेकर आएंगे। तो हमने जब इतने दोहरे मयारों का अपना कल्चर बना लिया है, वहाँ पर ऐसे वाक़यात होते हैं। ये मौलाना तारिक जमील की बहुत बड़ी आजमाइश है, अल्लाह ने इस पर पूरा उतारे। वो शख्स जो दुनिया भर को के मुसलमानों को एक आइडियल है, गाइड करता है, समझाता है, बताता है, तबलीग करता है, उनके ज़मीर झंझोड़ता है, उनके घर में खुद ऐसे हुआ। तो ये हम सबको अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों का, ग्रैंड बच्चों का, सबको नज़र रखनी चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मासियों और नौकरों के हाथों में बच्चे नहीं पलने चाहिए, उससे बेहतर होती है दादी या नानी घर में हो, पुप्पी हो, बीवा हो जाते हैं, सगी बहनों को घर में नहीं रखते कि एक बच्चे का खर्चा, लेकिन नौकर रख लेंगे। वो पुप्पी ज़्यादा बेहतर, दादी ज़्यादा बेहतर, खाला ज़्यादा बेहतर समझा सकती है बनस्पत एक
काम करने वाली के। अगर साइकिक रीडर की बात की जाए, आप लोगों की साइकिक को रीड करती है, आपको पता होता है कि अगला बंदा किस तरह सोच रहा है और किस नौयत का सोच रहा है। आपके पास कुछ ऐसी कॉल्स आती हैं या इस तरह के कुछ ऐसे आपके पास केसेस आते हैं, वो कहते हैं ना कि कम उम्र की नाकाम मोहब्बतें जो हमारे माशरे को ले डूबती हैं बहुत ज़्यादा। कम उम्र की नाकाम मोहब्बतें तो छोड़ो, बड़ी उम्र की नाकाम मोहब्बतें आती हैं जी, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, तीन बच्चे हैं, पहली बीवी है। देखो, दूसरी शादी की या मोहब्बत की इजाज़त अल्लाह ताला ने इंसान को दिया। मोहब्बत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत जज्बा है, लेकिन होता क्या है, ये मैंने स्ट्रैटेजी या ये एक थियोरी थी जो मैं इसको कहती थी बहुत साल पहले जब नई नई मेरी शादी हुई, बच्चे मोहब्बत में पड़ जाते हैं एफए में। अभी उनके लड़के की उम्र तो नहीं होती ना शादी की, लेकिन लड़की की उम्र शादी की होती है। माँ बाप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्द अपने इस फरीजे से को निभा दें, वो उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर देते हैं। और लड़का, अब एफए के लड़के से कौन शादी करेगा, ना वो कमाने के काबिल है, ना वो बीवी बच्चे रखने के काबिल है, तो वो नाकाम मोहब्बत में बदल जाती है। तो वो कहता है सारी लड़कियां बेवफा हैं, उसके बाद वो लड़कियों के साथ खेलना शुरू कर देता है। और लड़की कहती है कि अगर लड़के ने शादी नहीं की, और बड़ी उम्र के मर्द, 50-50 साल के मर्द 20-20 साल की लड़कियों से, 25 साल की इंटर्नशिप पर आई है लड़कियों से शादी करना चाह रहे, आपको इंजॉयमेंट के लिए चार शादियों की इजाज़त नहीं मिली थी। हाँ, अल्लाह को पता था कि मर्द की एक हवस है या एक लिमिट है, उसकी नीड है, जिसमें उसको चार बीवियों की इजाज़त क्यों मिली। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार बीवियों की क्यों रखी, उनके हुकूक पूरे क्यों किए, इसलिए किए, ये बताने के लिए किए कि ये एक ज़रूरत है। अब अगर मैं 60 या 65 ईयर्स की हूँ, मैं अगर इस वक्त शादी करना चाहूँ कि जी मैं बहुत अकेली हूँ, मैं डिप्रेशन की मरीज़ हूँ, तो मैं कर सकती हूँ, मेरी ज़रूरत है, मेरी नीड है। मगर आपका क्या ख्याल है, मुझसे कौन करेगा? जो 65 साल का मर्द है वो तो 25 साल की जवान लड़की ढूंढ रहा है ना, वो 65 साल की औरत से क्यों करेगा? क्योंकि हमारे यहाँ चस्कों के लिए हैं ये चीज़ें, ये हमें जिस जो असल में इनकी बुनियाद थी या ज़रूरत थी या मकसद था, वो हाथ से ही हमने छोड़ दिया, निकल गया, हमें समझ ही नहीं आई कि क्या है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ लाला रुख साहिबा मौजूद थी, मौलाना तारिक जमील साहब के छोटे फर्जंद, नाज़रीन बात की जाए तो आसिम जमील साहब ने ख़ुदकुशी कर ली है, बहुत ही अफसोस हुआ ये सुनकर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, ये कत्ल है या फिर ख़ुदकुशी ही है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।